गुड मॉर्निंग everyone. Now नाउ इट्स एक्टिविटी टाइम ओके your इंग्लिश टेक्स्ट बुक पेज नंबर seven Okay, ओके we वी विल डू द फिल इन द ब्लैंक्स ए टू पी A ए से लेकर पी तक ये देखो यहाँ पर कुछ कुछ अल्फाबेट्स मेंशन किए हुए हैं और कुछ मिसिंग है देखो बीच में खाली खाली है ना एंड मैम ने आपको सिखाया है ना बोलना कैसे बोलते हैं एंड अभी तो हम क्लास में भी लिख रहे हैं सीक्वेंस में है ना सो so, आपको इसके बाद क्या आता है वो पहले मैम के साथ बोलना है देन वी विल राइट ओके फर्स्ट व्हाट इज दिस ए व्हाट कम्स आफ्टर ए ए के बाद क्या आता है यस yes, इट्स B. Then C. What comes after C? D. D के बाद E. Then ये क्या है F. After F. G. G के बाद H. I. what comes after i it's j and this is k what comes after k ibad kiyata l and what is this it's m m ke n after n पी ओके सो इस तरह से हमें ए टू पी तक कंप्लीट करना है ओके एंड लुख्य देर इज वन एक्टिविटी ऑल्सो ट्रेस एंड कलर द पैंग सो आपको ये जो डॉट्स दिए हुए हैं इसके ऊपर क्या करना है पहले इस तरह से सारे डॉट्स के ऊपर ये देखो पैंगविन को ट्रेसिंग करना है ओके ट्रेसिंग करके पहले हम पेंगुइन ड्रॉ करेंगे एंड उसके बाद पैंगविन को क्या करेंगे कलर करेंगे ओके ये देखो मैम कैसे डॉट्स को ज्वाइन कर रहे हैं आपको भी इसी तरह से डॉट्स को ज्वाइन करना है एंड मेक अ पैंग और बिल्कुल डॉट्स के ऊपर ऊपर ही लाइन बनानी है ओके okay? अगर आप डॉट्स के ऊपर ऊपर लाइन नहीं बनाएंगे तो आपका पैंग्विन फिर सुंदर नहीं दिखेगा है ना सो दिस इज अ ब्यूटीफुल एक्टिविटी ये देखो ऐसे हमें पेंगुइन की ट्रेसिंग करके उसे कंप्लीट करना है देखो मैम ने फिनिश किया उसके बाद आपको पता है पेंगुइन का क्या कलर होता है ना ब्लैक एंड थोड़ थोड़ा थोड़ा व्हाइट होता है बीच में सो कहाँ ब्लैक होता है कहाँ व्हाइट होता है आप अच्छे से कलरिंग करके एंड मैम को होमवर्क सेंड करेंगे ओके बाय बाय